थोड़ा पीछे आ जाओ साइकिल, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा थोड़ा पीछे आ जाएंगे ना, सबको मिलेंगे ना अफसर भाई। हाँ ना भैया, मैं किधर देखो, ये परेशान है कि मेरे मैंने सर नहीं, सर सही नहीं बोले, दिल की बात बोल दी। देखिए आज चूंकि मेरा ये सवाल उठेगा कि ये इनके गले में होना चाहिए था, लेकिन आज चूंकि मेरा जन्मदिन है तो जितने भी लोग प्रतिनिधि अधिकारी है उन सब की तरफ से अंबादास दानवे साहब जो हमारे आमदार हैं उन्होंने सत्कार करते हुए मुझे ये पहनाया है। दूसरी बात, ये मीटिंग के ताल्लुक से जो बातें सामने आई है उसके अंदर जो चर्चा हुई है कि जो धार्मिक स्थल है वो धार्मिक स्थल को खोलने के लिए सभी लोक प्रतिनिधियों ने इस बात का अनुरोध किया है कि मंदिरें भी खोलें, मस्जिदें भी खोलें, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल है उसको कंडीशंस के साथ अब खोल देना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। दूसरा ये है कि गणपति का त्यौहार आने वाला है और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी गणपतियाँ जो ला के बेचते हैं उनका साल भर का रोज़ी रोटी उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो औरंगाबाद में अलग अलग ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करके जो जिस दिन से वो बेचना शुरू होता है वो अवधि बढ़ा दी जाए, वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों की भीड़ ना रहे और लोग बड़ी आसानी के साथ अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर, अभी ये बताया गया था कि सिर्फ 3 जगह है जहां पर इसकी मार्केट भरती थी, तो ऐसे कम से कम 10 से 15 मार्केट्स अगर बना दिए जाए और उसको पब्लिसाइज किया जाए कि ये सब जगहों के ऊपर मिलेगा तो एक जगह के ऊपर भीड़ नहीं होगी। ये मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। अभी तक होटल्स नहीं खुले हैं जबकि हमारा ये कहना है कि होटल के अंदर सिर्फ ग्राहक जाएगा और खाएगा ऐसा नहीं है। होटल के अंदर जो वेटर्स होते हैं, जो कुक होते हैं, जिन्हें आज 4-5 महीनों से है तो उनकी रोज़ी रोटी भी बंद है, तो ये होटल्स को भी कंडीशंस के साथ खोला जाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि प्रशासन ये कहता है कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, फिर राज्य सरकार ने निर्देश दिया है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को औरंगाबाद की परिस्थिति क्या है ये पता नहीं है, दिल्ली और मुंबई में बैठ के वो औरंगाबाद की समस्याएं क्या है ये समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने प्रशासन को ये अनुरोध किया है कि तमाम लोक प्रतिनिधियों की तरफ से सरकार के पास ये निवेदन दिया जाए कि लोक प्रतिनिधियों की ये मांग है कि ये होटल्स को, धार्मिक स्थलों को, गणपति के उत्सव को अच्छी तरह से मनाने के लिए विद कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन रहेगी उसका जल्द से जल्द अगर कोई डीआर अगर आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एसटी महामंडल चालू करने के लिए इसमें कुछ आपकी चर्चा हुई क्या? देखिए ये चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये औरंगाबाद लेवल के ऊपर ये डिसीजन लेना है, क्योंकि औरंगाबाद से अगर बस निकलती है और जालना का कलेक्टर कहता है कि नहीं मैं नहीं आने दूंगा एसटी को, तो ये चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का मामला है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम भी चाहेंगे कि इसके जो भी मिनिस्टर है अपने कंडीशंस के साथ ये एसटी को आप इमीडिएट परमिशन दी जाए, ये हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे। सर आज ये जो मीटिंग रखी गई थी, ये मीटिंग के उसमें क्या चर्चा हुई? खरंतर ही नियमित बैठक है आमची सगळ्यांची, आणि त्यामुळे या बैठकीत वेगवेगळे विषय, आता इम्तियाज जलील साहेब आपले मतदारसंघाचे खासदार यांनी भूमिका मांडलेली, हीच भूमिका सगळ्या लोकप्रतिनिधींची आहे। विशेषतः गणपती उत्सव जो येतोय त्याच्यासाठी गणपती मूर्ती खरेदी करण्यासाठी मोठी गर्दी होऊ शकते, त्यामुळे आपल्याकडे जिल्हा परिषद मैदान असेल, टी व्ही सेंटर मैदान असेल, अशा 2-3 जागा आहे, पण या जास्त जागा किमान 10-15 जागा शहरात असाव्या, आणि गणपती बसण्याच्या 2 दिवस आधीच ते बंद करावं अशा प्रकारचा विषय, त्यामुळे लवकरात लवकर गर्दी न करता सगळ्या श्री गणेशाची मूर्ती लोकांनी खरेदी करावी याच्यासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेण्याचं ठरलेलं आहे, आणि मला वाटतं तसा निर्णय होईल। सर आज ये जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग में क्या चर्चा हुई, आज क्या विषय पे चर्चा हुई? मीटिंग में कुछ नहीं, जो कोरोना का यहाँ पे जो हाल है इसके ऊपर चर्चा हुई, और आने वाले समय में जैसा कोचिंग क्लासेस है, टाइपिंग क्लासेस है,
इनको भी पार्टली परमिशन देना चाहिए। रेस्टोरेंट्स जो है, क्योंकि आज 50,000 लोग बेरोज़गार है जो रेस्टोरेंट में काम करते, कोई वेटर है, कोई स्टीवर्ड है, कोई कुक है, इन लोगों के लिए भी पार्टली जैसा होटल को 30% पे परमिशन दिया है, लॉजिंग को, उसी तरह से रेस्टोरेंट को भी परमिशन दी जाए ये बोला है। फिर मंदिर मस्जिद में भी 20% पे या 33% पे अलाउ करना चाहिए। और गणपति का भी आने वाला है तो वो हिसाब से गणपति छोटे छोटे जो घर में बैठते हैं वो बेचने के लिए जो स्टॉल लगते हैं उनको भी परमिशन देनी चाहिए। ऐसे 3-4 विषय पे चर्चा हुई। और कोविड का भी हल्लू जो ये कम हुआ है वो इससे और कैसे कम कर सकते हैं, ग्रामीण भाग में जो बढ़ रहा है उसके ऊपर भी कलेक्टर साहब से हमने बोला कि उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शहर में कम होएगा और ग्रामीण में बढ़ जाएगा तो आगे चल के ग्रामीण के लोग भी शहर में आते हैं तो फिर से वो दोबारा इस शहर में बढ़े नहीं है, अपनी हमारी कोशिश है। सर अभी ये जो महामंडल का जो महामंडल बंद है तो इसके बारे में कुछ चर्चा हुई क्या? कौन सा मीटिंग में? एसटी महामंडल नहीं, वो भी बोला हमने सरकार को, उन्होंने बोला कि हम अभी 31 तारीख के मतलब वो सरकार से बात करेंगे, अभी निवेदन उन्होंने बोला कि आप सब लोक प्रतिनिधि की मांग है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट चालू होना चाहिए क्योंकि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बट इसमें एक ही चीज़ है कि परमिशन वाला इशू आता है, इसमें थोड़ा सा रुका हुआ है, वो उनका बोलना है कि 2-4 दिन में उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली सबकी वो दिक्कत बंद हो जाएगी। थैंक यू।